अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक डिश टाइम। आज की मेरी रेसिपी है चना चाट की। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा चने को लेकर बॉयल कर लिया था। इसको अच्छे से 1/2 टीस्पून नमक डालकर अब सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, मसाले की जो चने में जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड कर दिया है कढ़ाई में। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी इसमें, नियरली 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को क्रैकल होने देंगे। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर और एक प्याज और ग्रीन चिल्ली। इसको हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे और फिर हम इसको ठंडा करके ग्राइंडर जार में एक पेस्ट बना लेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट मैंने ऑलरेडी चना में भी डाला हुआ है। और थोड़ा सी मैं ब्लैक पेपर ऐड करूंगी, थोड़ा सा काला नमक 1/4 टीस्पून और मैं नियरली 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करूंगी। और अच्छे से मिक्स करके हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे, फिर ठंडा करके हम इसको ग्राइंडर जार में पेस्ट बना लेंगे। देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। फिर उसमें ऐड कर दूंगी मैं उबले हुए चने और अच्छे से 3 से 4 मिनट तक इसको सॉटे करूंगी ऑयल में। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ अनियन और टोमेटो का पेस्ट। साथ ही ऐड कर दूंगी थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ताकि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आए इसमें, और क्योंकि ये कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है लेकिन इससे कलर अच्छा आ जाता है डिश में। सिम पर रखकर इसको 4 से 5 मिनट तक पकने दूंगी अच्छे से। देखिए, अच्छे से ये पक चुके हैं। अब प्लेटिंग करते हैं चाट की। थोड़ी सी कटी हुई अनियन ऐड करूंगी, चॉप अनियन, चॉप टोमेटोस। फिर ऐड कर देंगे चना, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी इस पर से। थोड़ा सा ऐड करेंगे फेटा हुआ दही, इसमें थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया था। और थोड़ी सी इसमें इमली की चटनी ऐड कर रही हूँ। आप घर में भी बना सकते हैं इसको, लेकिन मैं ये बाजार से ले आई थी। फिर से स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी कुथमी और ग्रीन चिली। थोड़ी सी आलू भुजी ऐड करेंगे इस पर से सेव।
देखिए हमारी चना चाट बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। कितनी टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रही है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।